हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 ऑफ जर्नल। ठीक है जी स्टूडेंट, लास्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इसके बाद हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे लेजर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है सम में। ये सम नाइन्थ सम के जैसा मिलता जुलता सम है, ठीक है ना। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ हरभजन एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ 1 अप्रैल 2019। ठीक है, तो ये भी नया साल है स्टूडेंट। जब भी नया साल होता है तो हमें जो बैलेंसेस होते हैं अकाउंट्स के, वो हमें कैरी फॉरवर्ड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली नाइन्थ सम के जैसे यहाँ पे भी पहले हम जितने भी अकाउंट्स के बैलेंसेज है उसे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। डेबिट बैलेंस को हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट बैलेंस को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो बैलेंसेज ऑन 1 अप्रैल 2019 कुछ नहीं दिया, मतलब ये डेबिट बैलेंस है स्टूडेंट। ठीक है ना, तो डेबिट बैलेंस में क्या क्या है। कैश इन हैंड 35,000, कैश एट बैंक 25,000, फर्नीचर 15,000, लैपटॉप 1 लैक, डेटस में संगीता 40,000 और वीरू 30,000। संगीता और वीरू दोनों भी हमारे डेटस है, ठीक है ना। तो डेटस ना लिख के वो दो नाम हम लिखे गए। तो स्टूडेंट ये सारे थे हमारे डेबिट बैलेंस, सभी क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और अब हम देखते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस में गणेश 10,000, गरिमा 40,000, बैंक लोन 50,000। ठीक है, तो ये हमारा है क्रेडिट बैलेंस। तो सारे क्रेडिट बैलेंस को मैं क्रेडिट कर दूंगा, और डेबिट बैलेंस को डेबिट करने के बाद में, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट करने के बाद में हमारा जो जर्नल है वो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस टैली नहीं होगा। जो भी डिफरेंस होगा स्टूडेंट वो कहाँ, वो क्या होगा हमारा, वो हमारा कैपिटल अकाउंट होगा। क्या होगा स्टूडेंट, हमारा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो चलिए फॉर्मेट रेडी है हमारा इन द बुक्स ऑफ हरभजन एंड कंपनी। जर्नल एंट्री, ठीक है, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं ईयर, ताकि बार बार ईयर लिखना ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट हम लिख देते हैं डेट। ठीक है, अप्रैल 1। ओके, चलिए एंट्री करते हैं सबसे फटाफट। डेबिट में क्या क्या था, कैश इन हैंड, ठीक है, क्या क्या था स्टूडेंट, कैश इन हैंड। नेक्स्ट कैश इन हैंड के बाद में था कैश एट बैंक, ओके, उसके बाद में था फर्नीचर, उसके बाद में था लैपटॉप, उसके बाद में था डेटर्स के दो नाम, संगीता पहला अकाउंट और दूसरा वीरो अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे यहाँ पे ये जो डेबिट बैलेंस है कंप्लीट हो जाते हैं। सभी का अमाउंट हम नोट कर लेते हैं स्टूडेंट, 35,000, 25,000, 1,50,000, 1,40,000 एंड 30,000। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारे अमाउंट हमने डेबिट बैलेंस के नोट कर दिए। अब हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट बैलेंस फटाफट। टू गणेश अकाउंट, टू गरिमा अकाउंट, ठीक है, टू बैंक लोन, इतने के अमाउंट को भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, 10,000, 40,000 एंड 50,000। ठीक है, तो अब हम जब देखें स्टूडेंट, डेबिट बैलेंस का जो टोटल आ रहा है वो है 3,80,000। ठीक है, और क्रेडिट बैलेंस का जो टोटल आ रहा है वो है 1 लैख। तो 3,80,000 में से जब आप 1 लैख को माइनस करोगे, जो डिफरेंस है स्टूडेंट 2,80,000 का, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारा कैपिटल अकाउंट रहेगा स्टूडेंट। क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए नरेशन लिख देते हैं, बिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट पहली एंट्री बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने के बाद में, डेटेड 1 अप्रैल। ठीक है, ओके, क्या दिया हुआ स्टूडेंट, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय कुमार वर्थ ₹2,50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एट 18% GST एंड पेड 1/4 अमाउंट इन कैश। ओके, काफ़ी बड़ा एंट्री है, काफ़ी बड़ा ट्रांजेक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गुड्स परचेस करें, तो यहाँ परचेस अकाउंट पहला इंपॉर्टेंट अकाउंट हो जाएगा हमारे लिए, करेक्ट। नेक्स्ट अजय कुमार अकाउंट आएगा स्टूडेंट, क्योंकि अजय कुमार से ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा, 1/4 अमाउंट ही हम पे कर रहे हैं अजय कुमार को, बाकी का पेमेंट बाकी है, इसलिए अजय कुमार अकाउंट आएगा। ठीक है ना, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है यहाँ पर, GST ये रिकॉर्ड होगा। ठीक है, एंड लास्ट ये हमारा कैश अकाउंट, क्योंकि 1/4 हम कैश पे कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी अकाउंट इस एंट्री में इफेक्ट हो गए उसके मैंने उसे मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो चलिए एक एक करके उसका इफेक्ट भी देख लेते हैं क्या आएगा। परचेस नॉमिनल अकाउंट रूल के हिसाब से क्या होगा, डेबिट, करेक्ट, क्या होगा, डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट अजय कुमार कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, हम अजय कुमार से परचेस कर रहे हैं, करेक्ट। तो अजय कुमार कौन हुआ, गिवर हुआ, करेक्ट ना, वो हमें गुड्स देंगे, तो रूल के हिसाब से क्या होगा, अजय कुमार
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अजय कुमार गिवर है तो अजय कुमार क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, जीएसटी नॉमिनल अकाउंट है हम पे करें तो एक्सपेंस है हमारा, जीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश रियल अकाउंट है हमारा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जब हम यहाँ पे कैश पे करें तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए एक साथ मैं आपको एंट्री बताता हूँ। एंट्री क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जीएसटी अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, टू अजय कुमार, क्रेडिट द गिवर, टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अभी अमाउंट देख लेते हैं। अमाउंट जो है 2,50,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट बोला हुआ, मतलब 25,000 हमारा ट्रेड डिस्काउंट होगा। तो जो परचेस है वो हमारा कितने का है, 2,25,000। कितना है स्टूडेंट परचेस हमारा, 2,25,000। ठीक है, चलिए एंट्री देखते हैं फटाफट, काफ़ी बड़ा ट्रांजेक्शन है ये भी। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे परचेस। ठीक है, परचेस का अमाउंट कितना था स्टूडेंट, 2,25,000, वो हमने नोट कर दिया। नेक्स्ट जीएसटी दिया हुआ था 18%, तो इनपुट सी जी एस टी, इनपुट एस जी एस टी, 18% जी एस टी है तो 99% हम कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंगली, रिकॉर्ड करेंगे 20,250, 20,250। ठीक है, आगे लिखा हुआ है हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय कैश, तो यहाँ पे टू कैश लिख देते हैं। ये जो टोटल है हमारा कितना आ रहा है, 2,65,500। इसका हाफ अमाउंट, इसका हाफ अमाउंट जो है स्टूडेंट वो आएगा हमारा 63,000, सॉरी हाफ नहीं, वन फोर्थ अमाउंट 66,375। ये हम कैश पे कर देंगे और बाकी का जो अमाउंट बचा है वो अजय को देना है। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंगली अजय कुमार क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर 1,19,125। ओके, चलिए अब नरेशन लिख देते हैं स्टूडेंट। बींग गुड्स परचेज फ्रॉम अजय कुमार एट 18% जी एस टी एंड 1/4 अमाउंट पेड बाय कैश। ओके, चलिए ये एंट्री हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट फिफ्थ ऑफ अप्रैल। ठीक है, क्या दिया हुआ स्टूडेंट, परचेज शेयर्स ऑफ इन्फोसिस। क्या परचेज किया हमने, शेयर्स परचेज किए। शेयर्स परचेज करना इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होता है स्टूडेंट, करेक्ट ना, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे। परचेज शेयर्स को हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट। इसके लिए क्या वर्ड यूज करूँगा मैं, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्फोसिस के हमने शेयर्स परचेज किए, ठीक है, नरेशन में काम आ जाएगा लिखने के लिए। एंड 500 पेड हैज ब्रोकरेज बाय डीमैट अकाउंट। ये जो पूरा अमाउंट है वो हमने डीमैट अकाउंट के थ्रू पे किया, तो 50,000 के शेयर्स परचेज किए और 500 हमने ब्रोकरेज के लिए पे किए स्टूडेंट। ठीक है ना, तो 50,000 हमारा पेमेंट किस लिए था, शेयर्स के लिए था, 500 ब्रोकरेज के लिए था। तो शेयर्स खरीदने के लिए जितने भी इंसिडेंटल एक्सपेंस होते हैं जैसे कि ब्रोकरेज, वो सब क्या होगा, शेयर की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, उसे हम अलग अलग नहीं बताएंगे स्टूडेंट। ठीक है ना, तो क्योंकि ये जो एक्सपेंस है वो शेयर से कनेक्टेड है, करेक्ट, तो हम इसे शेयर्स में ऐड कर देंगे सीधा। ओके, तो जो अमाउंट आएगा शेयर्स में वो कितना आएगा, 50,500। ठीक है, तो शेयर्स कौन सा अकाउंट है स्टूडेंट हमारा, शेयर्स इन्वेस्टमेंट करेंगे हम। क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट हम परचेस करें तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वो आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और पेमेंट डीमैट अकाउंट से हो रहा है, मतलब बैंक से हो रहा है। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंगली बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, इन्वेस्टमेंट कम्स इन हो रहा है, क्रेडिट द गिवर, बैंक गिवर है, अमाउंट 50,500। ठीक है स्टूडेंट्स, समझा आपको ये, चलिए अब इसे नोट करते हैं। तो एंट्री हुई हमारी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नरेशन बिंग शेयर्स ऑफ इन्फोसिस परचेज एंड ब्रोकरेज पेड अमाउंट 50,500। ठीक है, डन। नेक्स्ट एथ ऑफ अप्रैल, क्या दिया हुआ स्टूडेंट, सोल्ड गुड्स टू राज वर्थ ₹90,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 1/3 अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड 5% डिस्काउंट इज अलाउड। ठीक है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी बड़ा एडजस्टमेंट है, इसे हम समझते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये समझने के लिए हम एक वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में हम नोट करेंगे सबसे पहला इनवॉइस प्राइस, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इनवॉइस प्राइस या फिर वैल्यू, वैल्यू ऑफ गुड्स। इनवॉइस प्राइस की जगह पे बेटर वैल्यू ऑफ गुड्स लिखिए, वो बेटर होगा। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है, 90,000, उसमें हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं,
विच कम्स टू 9,000, और जब आप 90,000 में से 9,000 माइनस करोगे तो आपको सेल्स वैल्यू मिल जाएगा विच इज़ 81,000, ठीक है ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या किया, सेल्स वैल्यू फाइंड आउट किया, 90,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट फाइंड कैलकुलेट किया और हमें सेल्स वैल्यू मिल गया, कितना आया हमें 81,000। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे वन थर्ड अमाउंट, क्योंकि वन थर्ड अमाउंट हमें कैसे मिला है, कैश में मिला हुआ है। तो 81,000 का वन थर्ड जब हम कैलकुलेट करेंगे तब हमें वैल्यू मिलेगा 27,000, कितना मिलेगा 27,000, ठीक है ना। 27,000 जो हमने पे किया, सॉरी एक मिनट ना, 27,000 जो हमने रिसीव किया उस पर हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि हम रात को गुड्स सेल कर रहे हैं तो हमें कैश मिलेगा, और कैश मिलेगा, कैश डिस्काउंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ 5%, तो 27,000 पे मुझे 5% कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा, विच कम्स टू 27,000 का 5% 1,350। तो 27,000 में से 1,350 जब मैं माइनस करूँगा स्टूडेंट, तो मुझे अमाउंट कितना मिलेगा, अमाउंट मिलेगा मुझे 25,650, कितना मिलेगा 25,650, ठीक है। तो ये हो गई वन थर्ड की बात, तो बचा कितना स्टूडेंट, अगर 81 में से वन थर्ड मैंने कैश पे कर दिया तो बचा कितना, टू थर्ड। टू थर्ड क्या हुआ हमारा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो 81,000 का टू थर्ड होगा हमारा 54,000। ये जो अमाउंट है अभी भी राज से लेन देन बाकी है, ठीक है, तो ये राज को बिलोंग करेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो सब हमने एंट्री क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन को पढ़ के इसका वर्किंग कर दिया, वर्किंग करके बता दिया, बट अब एंट्री कैसे होगी वो देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला सेल्स अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे, पहला है हमारा सेल्स अकाउंट, ठीक है, तो सेल्स अकाउंट को हाईलाइट कर देते हैं, डन। नेक्स्ट राज अकाउंट, क्योंकि राज से लेन देन बाकी है हमारा। नेक्स्ट ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड होता नहीं है। कैश अकाउंट, हमने रिसीव किया कैश, एंड लास्टली कैश डिस्काउंट या फिर डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, ये हमारा अकाउंट, ये हमारा लॉस हो गया, ठीक है ना। तो ये एक दो तीन चार, चार अकाउंट यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं एंट्री क्या होगी। सबसे पहला सेल्स अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा और सेल्स अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि क्रिएट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। राज, अभी हम सेल करें तो राज रिसीव कर रहा है, राज हमारा पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, राज रिसीवर होने के नाते डेबिट हो जाएगा। कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमें पैसे मिल रहे हैं राज से, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एंड लास्टली डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अकॉर्डिंगली डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट सारे एंट्रीज हम देख लिए, हमारा लॉस यहाँ पे डिस्काउंट और डेबिट हो जाएगा, अभी हम एंट्री देखते हैं, ठीक है। तो एंट्री पास करने के पहले मैं आपको एक बार साथ में कंबाइन एंट्री क्या वो डिक्टेट कर लेता हूँ, ठीक है। राज अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, राज अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, ये हमारे एंट्री होगी स्टूडेंट। चलिए फटाफट एंट्री पास करते ताकि आपको इजीली समझ में आए और भी, ठीक है। ऐसी कंबाइन एंट्री होती तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट, तो आप पार्ट बाय पार्ट करके देखोगे इजीली तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए फटाफट रिकॉर्ड करते, सबसे पहला मैं रिकॉर्ड करता हूँ राज अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैश अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, थर्ड है हमारा डिस्काउंट अलाउड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तीनों का अमाउंट नोट कर लेते। राज से कितना रिसीव करना बाकी 54, कैश कितना मिला स्टूडेंट 25,650, डिस्काउंट कितना हमने दिया 1,350, ये सब वर्किंग में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। और टू सेल्स, सेल्स में पूरा अमाउंट रिकॉर्ड कर देते 81,000, ठीक है। नरेशन, बींग गुड सोल्ड टू राज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड वन थर्ड अमाउंट रिसीव बाय कैश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री जो है वो है हमारी 12th, ठीक है ना, अप्रैल, कब के 12th अप्रैल, ओके। चलिए देखते क्या लिखा हुआ है, पेड हाउस रेंट ऑफ प्रोपराइटर 9,000 एंड ऑफिस रेंट 5,000। तो स्टूडेंट हाउस रेंट तो हमारा क्या हो गया, ड्राइंग्स हो गया, ओनर का पर्सनल खर्चा ही है, ठीक है। पेड, पेड क्या हुआ स्टूडेंट हमारा, पेड हमारा कैश, पेड मतलब हमने कैश पे किया, ठीक है। और ऑफिस रेंट, ये हमारा बिजनेस एक्सपेंस है, ओके।
तो जो अकाउंट इंपॉर्टेंट था वो हाईलाइट कर दिया मैंने। अभी पे करें स्टूडेंट तो कैश जाएगा हमारे पास चाहिए कि इसमें, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। हाउस रेंट पे करें ड्राइंग अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि वो अमाउंट ओनर घर पे लेके जाएगा, ओनर रिसीव करेगा वो कैश पहला, तो ओनर अकाउंट सॉरी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, पहला कैश अकाउंट क्रेडिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो एंट्री हुई हमारी ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इजी एंट्री थी। चलिए नोट कर देते फटाफट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट 9,000, 5,000 एंड 14,000, नरेशन बीइंग ऑफिस रेंट एंड प्रॉपर्टी हाउस रेंट पेड, प्रोपराइटर हाउस रेंट पेड। ठीक है, नेक्स्ट 15th ऑफ अप्रैल, परचेज लैपटॉप 60,000 ऑफ 60,000, 18% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक। ओके, तो लैपटॉप परचेस किया तो लैपटॉप अकाउंट आएगा, गुड्स होता तो परचेस आता, बट लैपटॉप पे तो लैपटॉप अकाउंट, GST अकाउंट और बैंक अकाउंट। ठीक है, तीन अकाउंट रिफ्लेक्ट हो गया एंट्री में। तो लैपटॉप रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, GST नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमें पे करना पड़ रहा है, बैंक क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे बैंक पे करेगा। ठीक है, पेमेंट ओके। तो एंट्री इजी स्टूडेंट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, GST अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो चलिए इसे रिकॉर्ड कर देते हैं। सबसे पहला लैपटॉप अकाउंट डेबिट, फिर GST दोनों भी, इनपुट GST अकाउंट डेबिट, परचेज के टाइम पे इनपुट होगा स्टूडेंट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, नरेशन बिंग लैपटॉप परचेज बाय चेक एट 18% GST, अमाउंट 60,000, 5,400, 5,400, टोटल कम्स टू 70,800। ठीक है ना स्टूडेंट, इजी। नेक्स्ट एंट्री ऑफ 20th अप्रैल, क्या दिया हुआ है, पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन द अबो लैपटॉप 1 लाख एट 18% GST। ठीक है ना, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हम पे कर रहे हैं लैपटॉप के ऊपर। तो स्टूडेंट कोई भी एसेट को जब हम परचेस करते हैं तो जितना भी खर्चा होता है एसेट लाने तक का या एसेट स्टार्ट करने तक का, वो सब एसेट अकाउंट को रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं आएगा, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट सबसे पहला, पेड लिखा हुआ इसलिए हम यहाँ पे कैश अकाउंट रिफ्लेक्ट करेंगे। नेक्स्ट लैपटॉप अकाउंट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस की जगह पे हम लैपटॉप अकाउंट हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है वो लैपटॉप के लिए हमने इनकर्ड किया हुआ। ठीक है ना, एंड लास्टली GST अकाउंट। तो स्टूडेंट एंट्री क्या होगी, स्टूडेंट हमारे यहाँ पे एंट्री जो होगी यहाँ पे लैपटॉप अकाउंट डेबिट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बराबर, क्योंकि डेफिनेटली खर्चा रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना, तो 5,000 के जो लैपटॉप है उसमें वैल्यू ऐड करना पड़ेगा हमें, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट हो जाएगा, GST डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये भी डेबिट हो जाएगा, और पेड मतलब कैश, कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है ना, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट, GST अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट कितना था 1,000। ठीक है, अमाउंट 1,000 जो है ट्रांसपोर्ट चार्जेस वो भी लैपटॉप में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। चलिए एंट्री रिकॉर्ड करते हैं फटाफट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लैपटॉप के लिए हमने एडिशनल ट्रांसपोर्ट का कितना दिया 1,000, GST कितना है 9% विच कम्स टू 90, और टोटल जो पेमेंट हमने किया है वो 1,180। ठीक है, नरेशन में हम लिखेंगे बिंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड फॉर लैपटॉप, ठीक है ना, एट 18% GST। ओके, तो एसेट लाने के लिए जो भी खर्चा होगा वो एसेट पे हम चार्ज करेंगे, ठीक है ना, कि हम वो एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे अलग से। चलिए नेक्स्ट एंट्री 25th ऑफ अप्रैल, पेड कमीशन टू राम, पेड कमीशन 20,000 टू राम। अभी स्टूडेंट यहाँ पे राम अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ पे जो अकाउंट इफेक्ट होगा वो होगा यहाँ पे ये पेड, पेड मतलब कैश अकाउंट। ठीक है, और दूसरा कमीशन अकाउंट, कौन सा अकाउंट, कमीशन अकाउंट, तो दो अकाउंट कौन से अफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, कमीशन अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक है, रूल के हिसाब से
पे करे तो कैश हमारा क्रेडिट वॉट गोज आउट क्रेडिट हो जाएगा, रियल अकाउंट है क्रेडिट वॉट गोज आउट, कमीशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अकॉर्डिंगली एंट्री हुई हमारी कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अमाउंट 20,000। राम नहीं आएगा क्योंकि राम से लेन देन नहीं है स्टूडेंट, ठीक है ना, हमने पे कर दिया, अभी राम से कोई लेन देन नहीं है, बाकी होता लेन देन तो हम राम का नाम रिकॉर्ड करते हैं। चलिए एंट्री फटाफट नोट कर देते हैं यहाँ पे, कमीशन अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ठीक है ना, 20,000, 20,000, 20,000, या नरेशन बिंग कमीशन पेड टू राम, बिंग कमीशन पेड टू राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट जो एंट्री है वो है हमारी 26th of April, क्या दिया हुआ, पेड टेलीफोन चार्जेस, पेड मतलब कैश, ठीक है, ये अकाउंट हाईलाइट कर लेता हूँ। नेक्स्ट टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस हमारा नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, तो पेड रियल अकाउंट कैश मतलब पेड मतलब कैश, कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोस आउट, टेलीफोन चार्जेस नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अकॉर्डिंगली टेलीफोन एक चार्जेस अकाउंट डेबिट, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ठीक है, अमाउंट 1,000, 1,000, नरेशन बिंग टेलीफोन चार्जेस पेड, बिंग टेलीफोन चार्जेस पेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री 28th of April, क्या दिया हुआ स्टूडेंट 28th अप्रैल का, ट्रांसफर फ्रॉम प्राइवेट बैंक अकाउंट ऑफ प्रोपराइटर टू बिजनेस बैंक अकाउंट, प्राइवेट अकाउंट में से बिजनेस अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया, ये हैज गुड है स्टूडेंट, ऐसा हो गया कि प्रोपराइटर ने बिजनेस में पैसा लाया, करेक्ट, प्राइवेट अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफर करना मतलब बिजनेस में पैसे लेके आया, कौन लेके आया, प्राइवेट अकाउंट मतलब ओनर का, ओनर के प्राइवेट अकाउंट से बिजनेस के अकाउंट में पैसा है मतलब ओनर बिजनेस में पैसे लेके आ रहा है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे पैसे कौन रिसीव कर रहा है, बैंक रिसीव कर रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ये पैसे क्योंकि प्रोपराइटर के पर्सनल प्राइवेट अकाउंट से आ रहे हैं इसलिए कैपिटल अकाउंट आएगा स्टूडेंट, क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट। प्रोपराइटर के लिए सिर्फ दो ही अकाउंट है, एक तो कैपिटल और एक ड्रॉइंग, ठीक है, जब लेके आएगा तब कैपिटल, जब लेके जाएगा तब ड्रॉइंग, यहाँ पे ओनर पैसे लेके आ रहा है, बरोबर ना, तो क्या आएगा यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे प्रोपराइटर यानी कि कैपिटल अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट, ये दो अफेक्ट हो गए, ठीक है ना, बैंक डेबिट द रिसीवर, प्रोपराइटर क्रेडिट द गिवर। अकॉर्डिंगली एंट्री होती है स्टूडेंट हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, क्या होगी एंट्री हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, अमाउंट 40,000, 40,000, ठीक है, नरेशन बिंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोपराइटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 30th अप्रैल, एंट्री कभी की 30th अप्रैल की, ठीक है, क्या दिया हुआ स्टूडेंट, बॉट गुड्स फॉर रुपीज 1,50,000 एट 12% GST बाय चेक, ठीक है, बाय चेक मतलब स्टूडेंट हम कैश पेमेंट कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, चेक से पे कर रहे हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही है ये, कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है, हम पेमेंट देके गुड्स खरीद रहे हैं। अब बॉट गुड्स दिया हुआ स्टूडेंट, बॉट गुड्स मतलब परचेस अकाउंट, बरूबर ना, गुड्स दिया हुआ इसलिए परचेस अकाउंट आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट GST अकाउंट, ठीक है, नेक्स्ट बैंक अकाउंट, ये तीन अकाउंट अफेक्ट हो गए। तो परचेस अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, जस्ट वेट, या परचेस अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, GST हमारा नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बैंक गिवर है, क्रेडिट द गिवर, तो परचेस अकाउंट डेबिट, GST अकाउंट डेबिट टू बैंक, GST मतलब इनपुट GST क्योंकि परचेस कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए एंट्री रिकॉर्ड करते फटाफट, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सी GST अकाउंट डेबिट, इनपुट एस GST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 1,50,000 परचेस का था, GST 9,000, परसेंटेज दिया हुआ आपको कैलकुलेट करना है, टोटल कम्स टू 1,68,000, नरेशन बिंग गुड्स परचेस बाय चेक एट 12% GST, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी हमारा डन हो गया। लास्ट एंट्री
ये भी हमारा 30 अप्रैल का एंट्री है। क्या दिया हुआ है, एक्सचेंज अवर फर्नीचर ऑफ ₹30,000 अगेंस्ट मोटर कार ऑफ द सेम वैल्यू फॉर बिजनेस। तो फर्नीचर देके मोटर कार खरीदा, दोनों की कीमत कितनी है, 30,000। तो स्टूडेंट फर्नीचर एक अकाउंट है यहाँ पे हमारा फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा जो अकाउंट होगा स्टूडेंट वो होगा हमारा मोटर कार अकाउंट। ठीक है, कौन सा अकाउंट, मोटर कार अकाउंट। दोनों भी अकाउंट रियल अकाउंट है, फर्नीचर जा रहा है, क्रेडिट वॉट गोज आउट, मोटर कार आ रहा है, डेबिट वॉट कम्स इन। तो मोटर कार अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, एंट्री क्या हुआ, मोटर कार अकाउंट डेबिट, डेबिट वॉट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल, टू फर्नीचर, टू फर्नीचर, क्रेडिट वॉट गोज आउट, अमाउंट 30,000, 30,000। ठीक है, नरेशन बिंग ओवर फर्नीचर एक्सचेंज अगेंस्ट मोटर कार फॉर बिजनेस। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा एंट्री कंप्लीट होता है। अब हम टोटल करते हैं, टोटल जो आएगा वो आएगा 1,21,980, 1,21,980। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब भी समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, ताकि वो भी बेनिफिट ले सके इस वीडियो का, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर आप भूल गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।